गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा इलेक्शन पश्चिम बंगाल चल रहा है और आइंदा 10 तारीख को 171 सेंट्रल हावड़ा में विधानसभा इलेक्शन की तैयारी की जा रही है और यहां अभी कुछ ही देर में अभिषेक बनर्जी यहां से रोड शो करते हुए गुजरेंगे। हमारे साथ यहां पे लोग यहां मौजूद हैं, हम लोग पब्लिक ओपिनियन के लिए यहां टिकियापाड़ा में आप पहुंचे हैं। यहां हम लोग एक एक करके सबसे जानते हैं कि ये किस तरह की तैयारी चल रही है और किस तरह का माहौल बना रहेगा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, सिकंदर अली खान। सर, अभी जो तैयारी जैसे हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ अभिषेक बनर्जी के पोस्टर्स और झंडे, ये किस तरह की तैयारी चल रही है? आज अभिषेक बनर्जी हमारे यहाँ जो सेंट्रल हावड़ा से आरूप राय जो हमारे उम्मीदवार हुए हैं और भी दिगर जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हुए हैं उन सभी का समर्थन में आज हमारे जो सर्वभारतीय प्रेसिडेंट अभिषेक बनर्जी जो हमारे यूथ के आइकॉन है वो आज यहाँ रोड शो करेंगे उनके समर्थन में, उसी की तैयारी है। इस साल कहा जा रहा है कि असल परिवर्तन हो गए, ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा जा रहा है और हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है खेलो। अब इस पे आपका क्या कहना है? खेला तो लोग समझ ही रहा, खेला पब्लिक खेला खेलेंगे। नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो कभी साकार नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोग जान रहे ऐसा एक धोखेबाज, ऐसा एक प्रधानमंत्री आया है जो लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किए हैं। ये लोगों ने उनके असली चेहरा समझ चुके हैं, देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी का ये सपना कभी साकार नहीं होगा। ममता बनर्जी तीसरे बार के लिए फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन रही है, ये 100% ये पूरे आवाम का हिंदुस्तान चाह रहा है। तो ममता बनर्जी तीसरे बार के लिए फिर बंगाल के मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी हैट्रिक करेगी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं ममता बनर्जी के लिए, ए दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, इस पे आप क्या कहते हैं? ये शोभा देता है क्या प्रधानमंत्री? ये एक प्रधानमंत्री पे तो शोभा देता नहीं है, मैं समझता हूँ इसका जवाब बंगाल के लोग देंगे। 2 तारीख को नरेंद्र मोदी का इस तरीके का एक सीएम के साथ उनको दीदी करके उनको चिढ़ाना, इसके जवाब 2 तारीख को देकर साबित करेंगे बंगाल में। ये लोग हम अमन पसंद लोग, बंगाल के सेकुलर लोग ऐसे भाषा को कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके जवाब बैलेट ईवीएम मशीन के जरिए दीदी को हैट्रिक करवा के इसके जवाब देंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं 2 मई दीदी गई, इस पे आप क्या कहेंगे? नंदीग्राम में सुनोबे अधिकारी या फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी? नंदीग्राम में फिर ममता बनर्जी जीतेगी और नंदीग्राम से ही एक नया शुरुआत शुरू करेगी। और ये जो गद्दार शुभेंदु अधिकारी, इन लोग पार्टी में रहकर पार्टी के साथ गद्दारी किए, पार्टी से भरपूर लोग लूटे, अपने एसेट संपत्ति बनाए, आज उसके जवाब नंदीग्राम के लोग उनको देंगे। और जिस तरह पूरा माहौल बना हुआ है लोग समझ गए, बंगाल का आवाम समझ गए, एक एक मुख्यमंत्री एक महिला के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में हर कोने से बीजेपी अपने तमाम लीडरों को दिल्ली पैसेंजरी करवा रहे बंगाल में, इसके भी वो वक्त आएगा लोग इनको दिल्ली पैसेंजरी करके बंगाल से विदा करेंगे। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, आप टीएमसी के प्रेसिडेंट हैं 20 नंबर वार्ड के, यहाँ के माहौल में आपको क्या लगता है? हम हावड़ा जिला तृणमूल यूथ के जनरल सेक्रेटरी है, तृणमूल के आप जनरल सेक्रेटरी रहते हुए आपको क्या लगता है यहाँ महिला सुरक्षित है? क्या योगी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी का कहना सही है? पूरे हिंदुस्तान में यही एक स्टेट ऐसा है जो महिला पूरे पूरे सुरक्षित है। आप देखिए रात में आप देखते होंगे तो रात में महिला आना जाना करती है, कोई तरह का दुश्वारी नहीं। और वो जो सीएम उनको शर्म नहीं है, वो आकर यहाँ महिलाओं की बात करते हैं जिनके स्टेट में खुद कोई महिला सुरक्षित नहीं है। आप हथरस जैसे कहानी वो देखे हैं किस तरह हुआ, बेटी को रेप किया जाता है, दलित बहनों को रेप किया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, ऐसा एक स्टेट है जो मैं समझता हूँ रेपिस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया है यूपी। होता है तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद आजाद खान। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं रेप होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है।
ठीक है। उसके बाद मोदी जी सोनार बंगला की बात करते हैं, आपको क्या लगता है वो किस तरह के सोनार बंगला की बात करते हैं? सोनार यहाँ पे सोनार बंगला बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सोनार बंगला बनाया जाके यूपी में, बिहार में, वहाँ जाके बनाए, यहाँ बनाने का कोई जरूरत नहीं है। उन लोग पूरा बना दिए, उन लोग अब तक यूपी में सोनार यूपी क्यों नहीं बना पाए, गुजरात में है उन लोग क्यों नहीं गुजरात में सोनार गुजरात बनाए, क्यों नहीं वो लोग एमपी में सोनार गुजरात बनाए, उन लोग बंगाल में ऑलरेडी जो दीदी बना चुकी है सोनार बांग्ला, इतना सास्तो साथी फ्री में राशन देना, फ्री में स्वास्थ्य व्यवस्था करना, ये तमाम जो सुविधाएं लोगों को मिल रहा, लोग यहाँ खुश है। बंगाल में ऑलरेडी सोनार बांग्ला में तब्दील हो चुका है, इन लोग जो सोनार बांग्ला का सपना देखने के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिस स्टेट में इन लोग है उस स्टेट को आगे सोनार स्टेट बनाए, फिर बंगाल की तरह भी लोग सोचेंगे। सबसे एक एक करके बात करेंगे। सर आप खेला हो गए या परिवर्तन हो गए? खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए। मोदी साहब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज। हम आपको दिखाते हैं नाटक, मोदी का नाटक। मोदी जब आते भाषण में तो ऐसे कहते, मेरे भाइयों और बहनों, ममता बनर्जी ने मुझे इस तरह से जलील किया है कि मुझे बार बार बंगाल में आना पड़ रहा है। हमें डर है 2024 की हमारी सीट ना ममता छीन ले, हमें रोज पैसेंजरी करके आना पड़ रहा है। ये दीदी ने तो ऐसा काम किया है कि मेरा 10 पीढ़ी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं चोर मोदी, मैं हूँ चोर मोदी, मोदी चोर है, चोर है, चोर है। और हम लोग का नारा खेला होबे। ममता बंगाल में देखा यार, एक मिनट आराम से, एक एक करके सबको बोला जाएगा। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अनिसुर रहमान। क्या बोलना चाहते हैं? कल मोदी जी आए और एक वर्ड बोले कि दीदी बोलते हैं कम्युनिटी मुस्लिम को एक जगह हो जाएगा, अगर हम हिंदुओं को बोले एक जगह हो जाएगा तो आज हिंदू हमारे खिलाफ नोटिस चला जाएगा। तो आप क्या चाह रहे, वो बोल के नहीं बोल के भी बोल दिया कि हिंदू एक जगह हो जाए, ये सुन लीजिए। ये ऑलरेडी वेस्ट बंगाल है, सिर्फ ऐसा एक जगह है जहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहता और रहेगा। आपका ये कारगिरी यहाँ कभी नहीं चलेगी, ये वेस्ट बंगाल है, खला हो गए। बोल मोहम्मद सलाउद्दीन, बोल दिल्ली का जितना मंत्री है सब बंगाल में आ गए हैं। एक चप्पल हवाई चप्पल पे पूरा ममता बनर्जी भारी है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, उनसे असर पड़ेगा यहाँ पे? कुछ नहीं है असर पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है ठीक है, अभी 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 की यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ लगातार खेला होबे के नारे लग रहे हैं। थोड़े देर में यहाँ अभिषेक बनर्जी रोड शो करते हुए यहाँ से गुजरेंगे। फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की तरफ से यहाँ इतना ही। कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।